सीबीएसई पेपर लीक मामला अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब के लुधियाना शहर के 12वीं क्लास के विसल ब्लोअर छात्र ने दावा किया है कि मात्र 700 रुपए में उसे पेपर मिल गया था। सबसे पहले तो 15 तारीख को ये अफवाह उड़ी कि सीबीएसई का जो अकाउंट्स का पेपर हम बच्चे दे के आए हैं वो लीक हो चुका है, पर एक्चुअल में मैंने इस अफवाह को नहीं माना। मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि यह अफवाह सच है, तो 16 तारीख को यह जाहिर हो गया न्यूज के जरिए कि अफवाह सच थी, पेपर लीक था। मेरे पास उन पेपर के स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हैं कि पेपर लीक हो चुका था। तो हमने 16 तारीख को उस बंदे का एक इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स यूट्यूब चैनल से उस बंदे को अप्रोच करने की कोशिश की। उस चैनल के कमेंट बॉक्स से मुझे उस बंदे का नंबर मिला। उन पेपर की कॉस्ट सिर्फ उसने मुझसे 700 रुपए मांगी, जिसमें से 400 रुपए हमें एडवांस देने थे और 300 पेपर मिलने के बाद उन्होंने मुझे उन पेपर्स के स्क्रीनशॉट भेजे जो उन्होंने पहले बेचे थे। उनमें बिजनेस का पेपर, बिजनेस स्टडीज का पेपर, साइंस के कुछ स्ट्रीम के पेपर थे जो कि नकली थे। साइंस के पेपर उसके असली नहीं थे और उसने ये खुद कह दिया था कि मैं साइंस के पेपर नहीं दे सकता। उसने अकाउंट के पेपर के भी हमें स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि उसने ही पेपर लीक किया है। और इस बंदे ने भी हमें ये भी अश्योरेंस दिलाई है कि आने वाले दिनों में जब 25 अप्रैल को सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स का रीटेस्ट कंडक्ट करना चाह रही है, उस पेपर का लिंक भी वो अपने हैकर दोस्त के जरिए हमें प्रोवाइड कर देगा। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता है और वहां पर कुछ टीचर की मदद से, कुछ पीएमएस की मदद से, यहां तक कि बैंक मैनेजर्स और हायर अथॉरिटी के ऑफिशियल्स जिनमें सीबीएसई खुद और गवर्नमेंट मिली हुई थी, जिनकी मदद से ऑल ओवर इंडिया अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में का मेंबर था वो और पेपर लीक करवा रहा था। हमने 17 मार्च को सीबीएसई को एक मेल के जरिए ये फाइल्स अटैच कर भेजी। अपनी कंप्लेंट हमने पीएम और कमिश्नर को भी की, जिन पे उन्होंने हमें भरोसा जताया कि वो कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो बच्चों के हित में होगा, पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने सिर्फ हमें झूठे दावे किए